केंद्र श्रमिक संगठनों की सरकार की कामगार किसान और जन विरोधी नीतियों के विरोध में आज और कल देशव्यापी हड़ताल है। केंद्र ट्रेड यूनियन के 28 और 29 मार्च के भारत बंद का असर आज देश भर में सुबह से नजर आ रहा है। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अपनी मांगों के लिए इस बंद का आयोजन किया है। केरल और पश्चिम बंगाल में इस हड़ताल का जबरदस्त असर दिखा। पश्चिम बंगाल में वाम दलों ने कई रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिए। आज होने वाले इस बंद का सबसे बड़ा असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ेगा। इसके अलावा अन्य सेक्टरों में भी बंद का असर दिखने की संभावना है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने इस बंद का समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल में भी सुबह से ही भारत बंद का असर दिखाई दिया। कोलकाता के जादवपुर में ऑटो रिक्शा तक खड़े रहे। सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। यहाँ वाम मोर्चे के सदस्य कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। इससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। बता दें कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर का कहना है कि इस हड़ताल में 20 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैंकों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है। बैंक यूनियन बैंकिंग कानून संशोधक विधेयक 2021 का विरोध कर रहे हैं। हड़ताल का असर सबसे अधिक बैंकिंग सेक्टर पर पड़ने की उम्मीद है। SBI के साथ साथ कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस संबंध में पहले ही सूचना दे दी है। उधर सरकार ने हड़ताल के दौरान अस्पतालों, रक्षा और रेलवे जैसी आवश्यक सेवाओं को चालू रखने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम चालू रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।